हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। 9:30 बजे हैं और बहन जी हमारी देखो रुड़की से आ भी गई है। अब से एक हेलो। घंटा पहले, 1 घंटा हो गया, बहुत जल्दी चलती थी और भाई को देखने कल आई थी बड़ी बहन जी मुजफ्फरनगर से, और ये छोटे वाली आ गई है। कितने बजे चल दिए थे? 6 बजे, 6:30 बजे 6:30 बजे चल ये दिए थे। क्या हो गया अब? हाँ हाँ नहीं बेटा, हम ना 60 तक के मामा को देखना है। 60 तक के मामा और मेरे बड़े भाई। आर उस यही रहो। हाँ ठीक है, यही रहेंगे। कोई जब झूठ बोल के चले जा। नहीं कोई नहीं झूठ बोल के जाने का, आज इन्हें सबको यही बंदी बना लेंगे। ये कह रहा आर उस कह रहा आई भाभी झूठ बोल के चली गई, भाई आई भाभी झूठ बोल के चली गई, सब चले जाए। इसके नाना नानी आए, वे भी सुहा के चले गए। इसे अब ये कह रहा है कि आज नहीं जाना है, और इसके विपरीत इसे झूठ बोल के सब चले जाए। और ये कह रहा आते ही देखो, अभी 1 घंटा हुआ मैं ना आऊंगी। आए हुए पेपर हो जाएंगे ना बच्चों के, दोनों के, सार्थक और एंजल के, तब आऊंगी छुट्टी। और सार्थक भी आया है अभी, जो है ब्रेकफास्ट अभी। हाँ अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी अभी, और थोड़ी देर में जो है सार्थक भी आया है। सार्थक की हेलो स्वीकार करो जी। और एंजल नहीं आई है, एंजल का पेपर है। जैसे यहाँ बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, चिंकी और गुड्डू स्कूल जा चुके हैं, बाकी चीकू भी है बेड़े में शामिल। चीकू हेलो करो। हेलो। चीकू की भी हेलो स्वीकार करो जी। मेरा फोटो ले लो। चीकू का बोलना बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मैं जब बोलना है ना राम राम थोड़ा रुक रुक सी का बोलना है तो अच्छा लगा। और सार्थक ये कह रहा कि चीकू ना, चीकू के साथ मेरा मन लगे, ये कॉमेडी करता रहे, कॉमेडियन है चीकू, ये कह रहा है सार्थक। चलो जी आप सब भी आइए, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम आजकल टाइम पास हो गया है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। यूट्यूब वीडियो में अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब मिलता ही नहीं, अगर मिल भी जाए तो लोटरी लगने जैसा होता है बिल्कुल। ऐसे टाइम पे मैंने एक ऐप डिस्कवर किया है पंखुड़ी, जिसमें मैं बहुत कुछ सीख भी लेती हूँ और मेरे सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं और बनाने के बाद उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, और इससे हमें एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और मेरे जानने वालों ने भी मुझे देखकर इस ऐप को यूज करना शुरू कर दिया है, और वे जो हैं बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट भी लेते हैं और हैम्पर भी जीतते हैं। दोस्तों आप सब भी पंखुड़ी मास्टर ऐप से बहुत सारी चीजें खाना बनाने की सीख सकते हैं, और ये ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए है। दोस्तों पंखुड़ी ऐप जो है एक नया फीचर लेकर भी आई है, जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनर बहुत सारी यूनिक चीजें सिखाते हैं, जैसे कि बेकिंग, नेल आर्ट, कुकिंग, मील, मेहंदी, स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और दोस्तों नीचे दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पंखुड़ी ऐप। जी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी, क्या बनाओगे माँ? आलू मटर? आलू मटर बना देंगे, पूरी बना देंगे, बस और क्या खाएंगे। ठीक है, मक्खन मट्ठा है ये अपना देसी खाना। तो जी बहन जी आई हुई है तैयारी खाने की, जाएंगी भी आज ही शायद। अब तो ऐसा ही हुआ है, बच्चों के पेपर चल रहे, दिन के दिन का ही आना जाना है। क्या चाहिए हो आपको? मक्खन। मक्खन? अरे सुन लो, मट्ठक मट्ठन मक्खन तो है हमारे, मट्ठन नहीं है। है बेटा देसी घी का, देसी दही का। वो जूडो कराटे वाले सर ने तो बंद कर रखा होगा मक्खन, वैसे भी कर दे भाई, मैं तो तली भुनी चीज बंद कर दे जूडो का। अच्छा कितने आ गए तेरे पे? तला हो गए। तला तो चिकना ही हो गया उसमें। चलो अच्छा नो बता, अरे नो बता कितना आ गया तेरे पे जूडो कराटे? ओ चल जूडो कराटे सीख देख, तेरी क्लास लगाओगे अभी। चलो हे 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 यो वाला तो लोवर पंच हुआ है, ये वाला चेस्ट पंच हुआ है, अच्छा ये वाला फेस पंच हुआ है, अच्छा अरे ये टिक हुआ है। किक किक करके दिखाओ भाई, ये कर दी ये। मेरा माथा बचा दिया यार बस। ये वंकित है। हाँ मम्मा के पर आ देंगे कोई बात नहीं। मासी गिरी है, हैं मासी गिरी, मासी गिरी, अच्छा जी पढ़ना पड़ेगा हमें तो, जब देखेंगे क्या क्या है। अरे ये है पुस्तिक। अच्छा जी अपने मम्मा को सिखा दे,
अब तो तेरे पास सारी किक आ गई हैं, पंच भी सारे आ गए, लोअर अपर चेस्ट, अब तो तोड़ फोड़ देगा नहीं मामले को। वैसे बिना मतलब ना वीडियो कहीं, इसने तो बता दी अपनी ख्वाहिश, इसे मक्खन और मट्ठन दोनों देने हैं पैक करके, देसी घी वाले हैं भाई। और भाई की तबीयत आज ठीक है कल से भी, और रिपोर्ट सारी जितनी भी हैं ब्लड की वे सब कुछ नॉर्मल से ही हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन है ऊपर नीचे, लेकिन इतना तो रहता ही है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तीसरे दिन जो है बिल्कुल सही स्वस्थ माहौल है, हम भी खुश सब खुश, खुशी भरा माहौल, और सार्थक भी आ गया देखने के लिए। कल सिमरन और पिंकी और बहनों हमारे वो आए थे, आज आए हैं सार्थक और नीलाक्षी। तो जी यहाँ पर बहन भाइयों की चल रही है थोड़ी सी हंसी मजाक, और मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। आलू मैंने उबाल लिए हैं, उन्हें झरने में निकाल दिया है, वो ठंडे हो जाएंगे, और जब तक मैंने दूसरा काम संगवाए, बर्तन साफ किए और घर में बिस्तर वगैरह उठाए, तो तब तक जो है माँ ने ये सारी तैयारियाँ कर दी थी। नीलाक्षी बहन जो है आज ही वापस जाएगी, क्योंकि उनकी बेटी का एग्जाम था तो उसे घर पर ही छोड़ कर आई थी, और कल जो है सार्थक का भी पेपर है, तो इसलिए उन्हें आज ही वापस जाना है। और बस वो बोल रही थी कि मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैं भैया को देखने के लिए आ गई। यहाँ पर मैं उनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, माँ बोल रही है थोड़ी सी पूरी बना लेना, क्योंकि सार्थक को जो है ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। और उसके साथ में जो है सारे के सारे उसके मामा मामी बहुत मजाक करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे आपस में मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में, और नीलाक्षी बहन बोल रही है कि मैं अमितर के यहाँ पर भी जाऊँगी। पूजा की भी पिछले दिनों में कुछ दिन तबीयत खराब रही है, वैसे तो अब वो ठीक है, लेकिन वो बोल रही थी मैं उसे भी थोड़ी देर के लिए देखकर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर की जो है ग्रेवी तैयार कर ली है, इसमें डाली है 3-4 चम्मच मलाई की, और ये देखिए ये हमारी ग्रेवी जो है बनके तैयार हो गई है। इसमें टेस्ट जो है वही आने वाला है जो बिल्कुल पनीर में आता है। ये आज मैं जो है एकदम ढाबे वाली सब्जी बना रही हूँ, ये समझिए। इसमें मैंने अभी मटर डाल दिए हैं, और मटर ये एकदम ताज़े थे, और आलू इधर मैंने हाथों से ही फोड़ लिए हैं पानी डाल के, क्योंकि ये गर्म हो रखे थे थोड़े से। तो ये बना लिया है आलू का घोल, इसमें डाल दिया है उसकी ग्रेवी पकने के बाद में, और जो सब्जी काटने पीटने के बाद में बर्तन होते हैं माँ जो है साथ के साथ उन्हें साफ़ कर रही है। और इधर फिर जो है मैं आटा बनाऊँगी सब्जी छोंकने के बाद में। यहाँ पर जो है इसमें हंडी में मक्खन भी आ गया था, तो माँ ने जो है इसे निकाल दिया है। सार्थक की फरमाइश है कि मुझे मक्खन भी पैक करके दे देना, तो माँ बोली है इसे हम तब तक जो है ठंडा कर देंगे जब तक तुम्हारा जाने का टाइम होगा, तो ये टिफ़िन में जो है आराम से पैक हो जाएगा। तो जी बच्चे जो हैं आराम से अपना खेल रहे हैं, और नीलाक्षी बहन जो है गुड्डू चिंकी से मिलकर जाएगी, वैसे तो उन्हें जल्दी ही निकलना था। अभी जो हैं ये सारे बच्चे जा रहे हैं अमित के घर घूमने के लिए, पूजा को देखने के लिए। पिंकी दीदी आई थी कल, वे भी गई थी थोड़ी देर के लिए, और नीलाक्षी बहन को जो है शाम के टाइम जाना भी है। तो अभी जो है बच्चे भी जिद कर रहे हैं, और उसने तो आज अपना मुंह भी नहीं धोया, और अभी भी ये बोल रहा मैं मुंह नहीं धोऊंगा। ठीक है बेटे, आज ऐसे ही रहो आप, ठीक है? ठीक है, हाँ आज तो नहीं रहना, ठीक है? ये मुँह भी नहीं धोएगा इधर, जब तक जो है मैं खाना बना के तैयार कर दूंगी। इस सीजन का पहला हरा धनिया हमारे घर में एंट्री कर चुका है, ये देखिए माँ इसे काट रही है धोकर। अब मैं डालूंगी इसे आलू की सब्जी में, और ये हमारी आलू मटर की सब्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। ये देखिए मतलब कितनी तरीदार बनी आई, ये देखिए किनारे से जो है ये ऑयल इसमें आ गया है, ये समझो जब ये पकड़ी आ जाती है ना तेल की, तो सब्जी हमारी बनके तैयार है। आलू मटर टमाटर धनिया काट दिया है माने, अभी मुझे इसमें एक दो चीज़ और डालनी है, गरम मसाला ये वाला, ये होममेड है, और ये कसूरी मेथी, ये देखिए। और अब डाल देते हैं इसमें धनिया पत्ती, और अब इसको चला देते हैं। तो सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है, अब इसे ढक देंगे, और इधर मैं आटा बनाऊंगी पूरी के लिए। माँ बोल रही है थोड़ी सी पूरी बना देना, बच्चों को पसंद होती है। और इधर ये मैंने भिगो दी है बूंदी, जिसका बनाऊंगी मैं रायता, बूंदी वाला रायता। मट्ठा तैयार हो चुका है, दही हमने भिगो दिया है, आटा छान लिया है, अब इसे बनाऊँगी। इसमें भी एक दो मसाले डालने हैं आज मुझे, थोड़ा सा आटा जैसे भटूरों के लिए तैयार किया जाता है ना, सेम उसी तरीके से। धनिया पाउडर,
और ये नमक पाउडर, नमक भी तो पाउडर ही है, और ये थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो जी ये तैयार हो चुका है, बस इसमें पानी डाल के अब इसको बना लेते हैं जब तक ये भी फूल जाएगी। और आटे में जो है माँ ने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी थी, बोल रही थी कि पूरियों में जो है उनका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, पूरियों का और दोगुना हो जाता है। आटा मैंने गर्म पानी से लगाया था तो ये एकदम लग के रेडी हो चुका है, अभी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ी सी पूरियाँ जो है मैंने बेल कर रख ली थी क्योंकि माँ भी दूसरे काम में बिजी है, अभी बहुत सारे काम हैं। और ये देखिए जो पूरियाँ मैंने बेल कर रख रखी हैं उन्हें मैं सबसे पहले तल कर रख लूँगी, और जो हमारी लाली है उसको हम भोग लगवा देंगे और फिर जो है सब बंदों को खाना खिला देंगे। अभी नीलाक्षी बहन चली गई थी घर तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है कि मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप जल्दी से बच्चों को लेकर आ जाऊँ। आरुष भी उनके साथ में ही चला गया था, और जब बच्चे कहीं चले जाते हैं तो घर भी आंगन जो है ऐसे ही लगता रहता है खाली खाली। आ गए हैं हॉस्पिटल से, दवाई 3 दिन की और मिल गई है, 2 दिन की पहले ही बची थी तो 5 दिन की हो गई टोटल। कोई ज़्यादा खास दवाई है नहीं, वही है पहले वाली। हाँ भाई, अरे खाना क्यों नहीं खा रहा? मुझे भूतनी है। तुझे भूतनी है? कहाँ है भूतनी? अरे यो इतना बड़ा भूत है, यो नहीं दिख रहा पीछे। और यहाँ चल रही है पीछे अन्नपूर्णा रसोई, पूजा भी आई हुई है। पूजा ठीक है बिल्कुल? हाँ जी। और सोनिया तो ठीक ही है, और खाना बनवा रही है। या तो जी यहाँ पर मैंने जो है कितनी सारी पूरियाँ जो है बना ली हैं, और ये देखिए सोनिया ने आते ही खाना लगाना शुरू कर दिया है सबके लिए, माँ भी खा रही है, नीलाक्षी बहन भी, और भाई साहब के लिए बनाया है दलिया। इधर चाचा जी को भी इसने खाना लगाकर दे दिया है सबको, और फटाफट से बस अब जो है 2-4 पूरियाँ और सेकूँ मैं, बाकी जो है मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि कई सारे लोग जो हैं तलब होना अब नहीं खाते हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। सर्दी रोकने के लिए देखो चीकू ने क्या इंतजाम करा, ये लगा लिए कानों के ढक्कन हैं, और ये हैं सार्थक के। सार्थक की अभी तैयारी है चलने की, सुबह 8:30 बजे आ गए थे लोग और अभी 4 बजने वाले हैं। भाई हाजी जाना क्या? क्यों, ऐसी क्या मजबूरियां हैं? फिर एंजल दीदी के पेपर भी तो चल रहे। एंजल के पेपर तो चल रहे, वो तो बात ठीक है, लेकिन यार तो आज तो रुकता है, कुछ बातचीत करते बैठ के, ऐसी बात थोड़ा ही ना। क्यों चीकू, है ना, बातचीत करते ना। हाँ। है नहीं, दिन में तो ऐसी बात होती है, रात में बिस्तर में बैठ कर करते ना परामर्श कुछ। बहुत खुश है चीकू ये लगा के हेडफोन है। भाई हेडफोन है ये? अरे कान के ढक्कन है सर्दी रोकने वाले। एंजल के हैं पेपर तो इसलिए सार्थक की मजबूरियां हैं, ये रुक नहीं सकता, और नीलाक्षी भी तो इन्हें जाना है जरूरी। अच्छा मैं बता क्या बनाया था थारे? मारे अपने खाना। खाना? भाई यार तू सही सही क्यों नहीं बताता, सब्जी वगैरह में क्या बनाया था, मीठे में बनाया हो कुछ? किसने बनाया था? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने? हाँ। बहुत अच्छा लगा था तुझे? हाँ। खा चुका तू? चल ठीक है, खा पी के मस्त रहा अगर तू, है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आरुष जो है जिद कर रहा था, और 4:30 बज गए हैं, बस ये अब जाएंगी। तो जी सामान वामान इनका रख दिया है, दूध दही मट्ठा जो जो इन्होंने फरमाइश की थी सार्थक ने। तो अभी जो है वो कृष्णा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बोल रहा है मम्मी हम इसे अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे, और इन्हें जो है बस स्टॉप तक छोड़ कर आएंगे सोनू भैया। तो देखिए मैं बोल रही थी कि लाली को ले जा, आराम से चली जाएगी और जल्दी से ही ये बड़ी भी हो जाएगी। तो जी अभी सोनू भैया छोड़कर आएंगे इनकी गाड़ी तक, और फिर जो है ये आराम से चले जाएंगे, शाम तक 7 बजे तक पहुंच जाएंगे अपनी गाड़ी से, तो जल्दी ही चले जाते हैं। 3:30 बज गए हैं, नीलाक्षी बहन चली गई है अपने ससुराल, सोनू भैया गए हैं छोड़ने के लिए। तो जी अभी हम जो है आरुष को मना रहे थे, जब भी कोई भी मिलने के लिए आता है रिलेटिव तो आरुष जो है बहुत ज़्यादा रोता है जब वो जाने का टाइम होता है उनका अपने घर। तो ये चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, इसलिए मुझे इसे मनाना पड़ा, चुप करना पड़ा हम दोनों को, जैसे तैसे करके अब ये चुप है। तो चलिए जी आज का बस यही था व्लॉग हमारा, कैसा लगा आप सबको लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कल एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम। दोस्तों क्या आपने पंखुड़ी ऐप डाउनलोड नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए पंखुड़ी ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा।